वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाओस। तो ये है हमारी आज की पहली सुबह लाओस में, क्योंकि कल रात को आए थे हम लोग और रात को जो नींद आई है ना यार, ज़बरदस्त मज़ा आ गया, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे। कल हम लोग मॉर्निंग में लगभग 10-11 बजे जगे थे जब हम हनोई में थे, उसके बाद से हम कंटिन्यूस ट्रैवल कर रहे थे, पर इतनी ट्रैवलिंग के बाद कल की जो नींद थी, आहा मज़ा आ गया। और अभी लगभग हम लोग आज 10 बजे जागे थे और फिर अपना ब्रश वगैरह किया और अभी जा रहे हैं हम बस स्टेशन, क्योंकि हमें यहाँ से वेंता ही जाना है। तो देखते हैं कितने बजे की बस है, उस हिसाब से अपना चेकआउट करेंगे। और ये हैं लाओस की गलियाँ और हमारा जो रूम है वो बिल्कुल एक गांव के अंदर है, तो माहौल जो है ना बिल्कुल देसी अपने इंडिया जैसा है। आसपास गन्ने के खेत हैं और केले के पेड़ लगे हुए हैं, वो केले लगे हुए हैं। और ये मेन रोड है जो कि सिर्फ और सिर्फ लगभग 100 मीटर है हमारे रूम से, और यहीं पे बस स्टेशन है इस तरफ। अब ये देखते हैं ये बस स्टेशन है या सिर्फ एक बस खड़ी है। तो कल रात को हम इस तरफ गए थे खाना खाने के लिए, इस तरफ ही ATM है। कल रात को बारिश भी जो है ना बहुत ज़बरदस्त हो रही थी, पर अभी मौसम एकदम साफ है, एकदम क्लियर। और ये जो नज़ारे अभी आप देख रहे हो ये हैं बिल्कुल बॉर्डर से, यानी कि वियतनाम और लाओस के बॉर्डर से। अभी हम लाओस में एंट्री ले लिए, पर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बॉर्डर सिर्फ यहाँ से 1 किलोमीटर दूर होगा ज़्यादा। तो ये बेचारा थोड़ा सा छोटा सा देश है और गरीब देश है, जिस वजह से, लेकिन लोग जो है ना यहाँ के वो दिल से बहुत अमीर है। तो ये यहाँ का बस स्टेशन है, एक होता नहीं है सिंपल गांव में जो बस स्टेशन होता है, क्योंकि ये भी एक गांव ही है। मे बी मेन सिटी में जो है ना आपको और भी अच्छे बस स्टेशन देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे थाईलैंड वियतनाम में है, पर अभी फ़िलहाल के लिए यही है। और ये इनका टुक टुक जुगाड़ है, ये देखो। और ये यहाँ की बाइक है। और ये देखो ये ओपन यहाँ का टिकट काउंटर है, अपन दोनों यहाँ पर टिकट ले सकते हैं। अभी देखते हैं कितने की टिकट पड़ती है यहाँ से वेंताई की और कितना प्राइस होगा, कितना टाइम लगेगा, सारी चीज़ अपडेट करूँगा। पहले टिकट देते हैं। ये देखो भाई, ये जो है ना ये यहाँ का हुक्का है, अपने यहाँ जो हुक्के चलते हैं वो अलग तरीके के होते हैं, ये इनका है। ये आपका वियतनाम, कंबोडिया और लाओस में इस तरीके के हुक्के चलते हैं, अपने यहाँ जैसे नहीं, वो फ्लेवर्ड वाले बोतल में रखते हैं, वो सिर्फ क्लबों में चलते हैं। जो लोकल हुक्का है वो ये है। 30,000 लाओ करेंसी में जो है ना इतने अमरूद आए हैं, ये देखो। तो ये हमारी पहली शॉपिंग है लाओस के अंदर। फ्रूट से क्या है ना अपनी हेल्थ भी सही रहती है और हजम करने में भी सही रहता है, और ट्रैवलिंग के टाइम पे कुछ पेट वेट में दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि अभी जो हम लोग अपना जो सफ़र है वो करेंगे बस के अंदर। और ये यहाँ की लोकल डिश है, ये देखो, इसमें कुछ मीट वीट है। और ये यहाँ का कौन काटा। तो अभी यहाँ पे जो है 2 लाख की टिकट है पर पर्सन की। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ATM, क्योंकि 12 बजे के बाद ATM चालू हो जाएगा, उसमें भी वो लोग कैश डालेंगे क्योंकि उसमें कैश नहीं था। और फिर हम यहाँ वापस आएंगे और अपनी टिकट लेंगे और फिर जाएंगे हम वेंताई। सामने अपनी बस खड़ी है, वो जो नीले कलर की बस है, ब्लू कलर की, वो बस जाएगी। बड़ी मुश्किल से समझाया यार, गूगल ट्रांसलेटर बहुत हेल्पफुल है यार। तो जब भी आप सफ़र कर रहे हो किसी अदर कंट्री में, खासकर इस तरफ, क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, तो गूगल ट्रांसलेटर और गूगल मैप जो कि ऑफलाइन हो, जब आपका इंटरनेट भी नहीं चले तो वो तब भी काम करे, तो अपने पास ज़रूर रखना, वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। देखो भाई सामने कितना ज़्यादा, मतलब सामान जो है ना फुल एकदम लोड करके लेके जा रहे हैं, तो ऑलरेडी जो है ना इतना सामान रखा हुआ है, ये लोग अभी स्कूटी और चढ़ा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहा है स्कूटी का। सारे बैठे बस, सवारी कम और खाने से ज़्यादा मिल गई। देख लो भाई
मैं सोचता था इंडिया में ही ओवरलोड होता है, यहाँ आके लग रहा है कि नहीं यार इंडिया अभी भी पीछे है किसी चीज़ में। तो भाई 3 बजे की अपनी बस थी, लेकिन यार बाहर हो रही है बारिश, जिस वजह से जो है ना अपन लोग यहाँ पर रुके हुए थे, पर अब थोड़ी सी बारिश हल्की हो गई है। और बस स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं है, पर अपन जा रहे हैं क्योंकि हमारी बस छूट जाएगी। ऑलरेडी 3 बज चुके हैं, चलते हैं जल्दी से। हम लोग नहीं चाहते हमारी टिकट आज बेकार चली जाए, कल जो है ना हमारा बजट जिसकी वजह से बढ़ गया था। बाय बाय, कप चाय, थैंक यू। ये देखो भाई, ये ईट है यहाँ की, ये रहे अपने गन्ने के खेत और केले भी लगे हुए हैं, और वो पीछे की तरफ जो दिख रहा है आपको वो मूर्ति है उस तरफ, और ये अपनी ड्रिंक है। इसका फ़ायदा ये है कि आपके पास अगर ठंडा पानी नहीं है, इसमें अपना ड्रिंक ले लो और इसको लेके रखो, क्योंकि बहुत सारी बर्फ़ होती है इसमें, तो वो आपको जो है ना हेल्पफुल रहती है, आप कभी भी ठंडा पानी पी सकते हो। दोपहर में जो है ना बहुत ज़्यादा धूप थी, लेकिन अभी जो है ना मौसम हो गया एकदम सेक्सी। ये देखो इधर भी पानी भरा हुआ है। खुशखबरी ये है, बारिश जो है वो कम हो चुकी है। तो जिस वजह से जो है ना अभी हम भीगेंगे नहीं उतना, हम लोग पहुंच जाएंगे क्योंकि बस स्टेशन भी जस्ट सामने है। अब सोच लो इतना करीब है कि मैंने वहां से जहां से वीडियो स्टार्ट किया था वो अपना रूम था, और मैं ऑलरेडी बस स्टेशन पहुंच चुका हूं, क्योंकि बस स्टेशन से जो है ना ये जो मूर्ति है बुद्ध जी की, ये बिल्कुल सामने की तरफ दिखाई देती है। और कभी भी आप आते हो तो ये ड्रिंक ज़रूर ट्राई करना, ज़बरदस्त यार। गर्मी क्योंकि यहाँ पे ये हुआ, थाईलैंड हुआ, कंबोडिया हुआ, यह इस जगह जो है ना गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो गर्मी के लिए ये जो है ना बहुत प्यारी चीज़ है। और ये अपनी बस लग चुकी है सामने की तरफ, ये देखिए। It's very close our hotel, just nearby there, so no taxi. तो ये रख दिया अपन ने अपना सामान, तो बस चलते हैं अंदर से, बस दिखाता हूँ आपको कैसी है। ये सामान का पैक हो चुका पूरा, तो ये है अपनी बस का एंट्री गेट। तो यार अपन ने जो है ना अपनी सीट ले लिया, और बस जो है ना पूरी खाली है, बहुत ही पैसेंजर है, और बारिश भी हो गई है बंद, अपनी गड्डी चल पड़ी है। और ये जो बस है ना, अभी तक जब से हमने थाईलैंड से लेके यहाँ तक, ये अपने इंडिया जैसी बस मिली है, जो अपनी जैसी अपनी इंडिया में होती है ना स्लीपर बस, बिल्कुल सही। देखो पहली बार मेरे किसी बस में पूरा पैर आ रहा है, और स्पेस भी जो है ना मतलब दो दो का है, ये देखो। और एकदम ठंडी ठंडी हवा आ रही है, ज़बरदस्त फुली एसी, मज़ा आ गया, पैसे वसूल हो गए यार। अब जो है ना मैं तर्रा के जबरदस्त नींद लूंगा, अभी करते हैं आराम, जल्दी मिलेंगे। A few moments later. तो लगभग 16 घंटे के लंबे सफर के बाद मैं पहुंच गया हूँ अभी वेंताई में, और ये है वेंताई का बस स्टेशन। रात में जो है ना रास्ते में बारिश हो रही थी, तो ऐसा लग रहा है या तो यहाँ पे धुलाई हुई है या भी बारिश हो रही थी, जहाँ तक मुझे लग रहा है बारिश ही हुई है। अच्छी चीज़ ये थी कि बस में बढ़िया सोने की जगह थी, और सीट्स जो थी कंफर्टेबल थी, उसके अलावा अंदर टॉयलेट भी थी, तो मुझे एक दो बार टॉयलेट आई। पहले मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं जब ड्राइवर के पास गया, जब मुझे बहुत तेज़ लगी, तो उन्होंने बताया कि अंदर टॉयलेट है, लेकिन छोटी बहुत थी मेरे हाइट के हिसाब से, ऐसा लगा जैसे मैं उसमें फंस जाऊँगा। हम लोगों ने अपना हॉस्टल बुक कर लिया सेंटर में, अभी यहाँ से देखते हैं टैक्सी का कितना क्या फेयर है। ये यहाँ पर टॉयलेट है, अभी अपन ने यहाँ पर टॉयलेट यूज़ किया, उसका चार्जेस जो था वो था 2000 लाओस करेंसी में। तो अभी नेट देख रहे हैं किसी का, क्योंकि हमने सिम कार्ड तो ले लिया, सिम कार्ड पड़ा था हमें लगभग $2 का, $1 का कुछ वो था, और
ऐसे ही $1-2 का कुछ उन्होंने रिचार्ज किया था, जिसमें अभी पता नहीं इंटरनेट मिला या नहीं, अभी तक तो चालू नहीं है। वो बोल रहे थे एक्टिवेट होने में टाइम लगेगा, इसीलिए दूसरे के इंटरनेट से काम चला रहे हैं। तो अभी चलते हैं सेंटर की तरफ, थोड़ा यार फ्रेश होंगे, अभी सो के जगह। ये जो हमने टैक्सी की, ये 1,30,000 में की है, लोका पे 1,37,000 दिखा रहा था, पर ये जानते नहीं हम इंडिया वाले हैं। तो भाई जब भी यहाँ आते हो ना, थोड़ा सा केयरफुल रहना, बस स्टेशन पे जब भी टैक्सी करो तो पहले लोका पे जरूर चेक कर लेना, क्योंकि लोका ऐप पे जो है ना आपको रियल प्राइस दिख जाएगा। रियल प्राइस जो था वो था 1,37,000 कुछ, फिर हमने बोला इनसे कि हम 1,30,000 देंगे इनको, तो इन्होंने जो है ना 1,30,000 में मान गए। पहले ये 2,00,000 मांग रहे थे। मैं आ गया हूँ अभी सेंटर में, और ये देखो भाई, यहाँ जो है ना अब थोड़ा ठीक लग रहा है, क्योंकि उस तरफ जो है ना पूरा एक प्रॉपर गांव था और ये सिटी है। अपना होटल यहीं कहीं है, तो ढूंढ रहा है। ये देखो भाई यहाँ के ये स्कूटर, ये थाईलैंड में भी चलते हैं स्कूटी स्कूटर, बाकी मोस्टली इस साइड ये चलते हैं। जैसे ही आप थाईलैंड में एंट्री करोगे, थाईलैंड से लेके कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, सभी जगह यही चलते हैं। यहाँ पर कोई बुलेट नहीं, कुछ भी नहीं, इस तरफ सिर्फ यही चलती हैं, लेकिन ये भागती बहुत है। ये देखो ये यहाँ की जुगाड़, ज़बरदस्त चीज़ है यार ये। आखिरकार हम पहुँच गए अपने होटल में, तो अभी करेंगे यहाँ पर आराम, देखते अंदर से कैसा है। Hello. How are you? Okay. We have a booking by the. भाई अभी जो है ना अपन लोग जो है बाहर गए थे, क्योंकि चेक इन टाइम जो था वो था 12 बजे का, हमने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने 11 बजे तक दे दिया। तो जब हम यहाँ आए थे तो लगभग 9 बज रहे थे, फिर हमने सोचा जब तक बाहर जाके कुछ खाना खा लिया जाए। तो मैं जस्ट हमारे होटल के सामने एक इंडियन रेस्टोरेंट है, मद्रास के लोग थे वो लोग, जो ओनर था वो मद्रास का था, तो बढ़िया उन्होंने दाल चावल दिए, मज़ा आ गया। मेरा जो बिल हुआ दाल चावल, और मैंने एक नान लिया था क्योंकि दाल बची हुई थी, चावल की थोड़ी सी उन्होंने क्वांटिटी कम थी, तो मेरा पेट एकदम जबरदस्त भर गया उससे। और उसका चार्जेस लगभग लगभग $4 मैंने पे किया। और अभी जैसे ही मैं आया तो 11 बज चुके हैं और रूम अपन को रेडी मिला है। तो ये है अपना रूम, तीन सिंगल सिंगल बेड दिए भाई, तो किसी को लड़ना नहीं है, आराम से सो अपने, क्योंकि पहले जो है ना हर किसी को अपनी एक प्राइवेसी चाहिए, तो कहता था नहीं मैं सिंगल बेड पे सोऊंगा, मैं सिंगल बेड पे, तो अब सबको प्राइवेसी मिल गई है। और ये अपनी बाथरूम है, यहाँ पे ये अच्छी चीज़ है यार कि हर जगह आपको टूथपेस्ट ब्रश मिलता है, तो अगर आप कभी इंडिया से नहीं ला पाते हो, साथ में कंघा भी मिलता है, और ये आपके शैम्पू और साबुन है। ये मैंने कंबोडिया से देखे थे, थाईलैंड में भी कुछ जगह मिले थे, तो मतलब जब भी आप इस साइड आते हो, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, तो आपको जो है ना अगर ब्रश लेके नहीं आए हो, या फिर टूथपेस्ट लेके नहीं आए हो, कंघी लेके नहीं आए हो, साबुन शैम्पू नहीं लाए हो, तो भी आपका काम चल जाएगा अगर आप होटल में रुक जाओ। कल हमने पूरे दिन ट्रैवल किया था, तो अभी करेंगे रेस्ट, तो सी यू गाइज इन द इवनिंग। आज करेंगे अपन यहाँ की नाइट लाइफ एंजॉय, तो रात की पार्टी के लिए तैयार रहना।